भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोध सिंह की बगावत भारतीय जनता पार्टी को बेहद महंगी पड़ रही है। टिकटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह जारी है। बालाघाट, शहडोल सहित कुछ अन्य संसदीय क्षेत्रों में पार्टी के खिलाफ बगावत की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही है। सोमवार को पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सांसद प्रभात झा बालाघाट से भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन का पर्चा भरवाने के लिए पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने सांसद बोध सिंह भगत को मनाने का प्रयास किया, लेकिन भगत निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। भगत ने सोशल मीडिया के जरिए अपील भी की है कि मंगलवार को नामांकन करने ज्यादा से ज्यादा लोग आए। पार्टी ने भगत का टिकट काटकर ढाल सिंह बिसेन को प्रत्याशी बनाया है। और इससे पहले भी पिछले सप्ताह प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत बालाघाट बोध सिंह को मनाने गए थे, लेकिन वे नहीं माने। पार्टी के सूत्रों के अनुसार शहडोल में भाजपा सांसद ज्ञान सिंह की नाराजगी की अब तक दूर नहीं हो पाई है। वे भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में काम करने को तैयार नहीं है। हालांकि धार में अभी तक टिकट घोषित नहीं हुआ, पर मौजूदा सांसद सावित्री ठाकुर भी नाराज बताई गई है। खरगोन में सुभाष पटेल की जगह पार्टी ने गजेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वहां बगावत जैसी स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर बोध सिंह भगत का यह कहना है कि ढाल सिंह कमजोर प्रत्याशी, किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो सिवनी के रहने वाले हैं, योग्य होते तो पार्टी उन्हें सिवनी से लड़वाती। वे दो दो चुनाव केवल लड़ी से हार चुके हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।